इलाहाबाद शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक मेला लगता है। ये गधों का मेला है, उस मेले में हम आपको ले चलेंगे। आप क्या मेले से लौट रहे हैं? हाँ भैया, मेले से लौट रहे हैं। ये घोड़ा खरीदा है? हाँ, घोड़ा है कि गधा है? घोड़ी है। अच्छा, कितने में लिया? ये है 7,500। ये गधों का मेला अपनी कई खूबियों को लिए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे मेले का आयोजन अपना धोबी समाज करता है। राजकीय अभिलेख के अनुसार तो ये 1982 से लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे और पहले से भी लग रहा है, धीरे धीरे 1982 से इसका राजकीय कार्यक्रम में आया है। यहाँ माँ शीतला देवी जगत जननी विराजमान है, उनका वाहन खच्चर होने के कारण यहाँ पर धोबियों ने एक अपना धर्मशाला बनवाया और उसी के वाहन होने के कारण यहाँ पर उन लोगों ने गधे और घोड़े खच्चर का मेला लगाया। और सिर्फ गधे ही नहीं बेचे जाते, ये धोबी समाज आपस में रिश्ते भी तय करता है, लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी सुविधाएं नहीं है। ये सब मेला अपने व्यक्तिगत सुविधाओं से आयोजित होता है, लेकिन वसूली का क्रम हर समय बना रहता है। हर बिकने वाले गधे पे एक पैसा लिया जाता है, उस पैसे पे कई हिस्से लगते हैं। जो वहाँ का पंडा समाज है या पुलिस वाला है या एक आध लोग और हैं, वो सब लोग उस पैसे में से हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर बहुत कम सुविधाएं हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था के बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं साहब, पानी तो हम जो जानवर भी मर रहे हैं पानी की वजह से हमारे, और जो है क्या नाम है, यहाँ खाने को भी कुछ नहीं जानवरों को, और आदमी प्यास के मारे मर रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी आपके जानवर मरे हैं? हाँ, हमारे साहब 3-4 जानवर मर गए, प्यासे मर गए यहाँ। अक्सर जानवर यहाँ पर भूखे प्यासे मर जाते हैं, फिर भी ये मेला चल रहा है और अपनी खूबसूरती लिए हुए है। इसको कैसे बचाया जाए, इसको हमें सोचना होगा। मैं अजीत बहादुर, इंडियन हर्ड के लिए इलाहाबाद से।